हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन क्या हाल चाल है आप सबकी होप यू आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से मैं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाकर उन्हें दे चुकी थी अब मैं अपने लिए निकाल रही थी ऑरेंज जूस सोचा कैमरा ऑन कर लेते हैं आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं काफी दिन हो गए मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रोडक्टिव रूटीन शेयर नहीं की थी सो so, आज कर लेते हैं क्योंकि आज मेरी टू डू लिस्ट में सारे घर के ही काम थे आज मैंने वीकली डीप क्लीनिंग करनी थी घर की मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत ज्यादा मजा आता है क्लीनिंग ब्लॉग्स या डेली जो घर की रूटीन होती है वो देखने में सो so, आज आप लोगों के लिए है व्लॉग ऑल्सो ऑरेंज के साथ साथ मैं ग्रे का भी यहाँ पे जूस निकाल रही हूँ सारे में ना एक कड़वाहट फील नहीं होती घर के काम के साथ साथ आज आप लोगों के साथ बातें भी बहुत सारी करनी है सबसे पहले तो थैंक यू सो सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आप लोगों ने दिल की बात सीरीज पे बहुत प्यार दिया एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़कर कॉमेंट्स आए रिस्पॉन्स आए व्यूज तो देखे नॉर्मली भी मेरी प्रोडक्टिव रूटीन पे इस तरह के आ जाते हैं ऐसा नहीं था कि वो वीडियो वायरल हो गई और बहुत ही एक्स्ट्रॉडनरी व्यूज आये बाद व्यूज की नहीं है बात है जो कॉमेंट्स आप लोगों के आए और जितनी ज्यादा क्वांटिटी में कॉमेंट्स आए मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और जो हार्ट टू तो हार्ट आप लोगों ने अपनी बातें मुझसे शेयर की ना इनफैक्ट जो डीएम्स भी आप लोगों ने मुझे भेजे हैं मतलब दिल खुश हो गया मेरा जो मकसद था मेरा वो पूरा हुआ आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती थी क्योंकि ये डेली व्लॉगिंग और ये व्लॉगिंग का जो स्टाइल है ये जो दुनिया है इसमें शॉपिंग हॉल्स दिखा देना घूमना फिरना शेयर करना ये तो बहुत लोग कर रहे हैं बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और जिनकी लाइफ वाकई बहुत हैपनिंग है देख के मजा आता है बट मैंने सोचा कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम रियल ऑडियंस से कनेक्ट कर सकें और उन्हें बता सकें कि हमारी जिंदगी भी उतनी ही नॉर्मल है जितनी आप सबकी है उतनी ही परेशानियां ट्रायल्स हमारे साथ भी हैं इसी सोच और कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ये व्लॉग्स शेयर करे थे और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप लोग इतना ज्यादा उससे रिलेट और कनेक्ट कर पाएंगे और आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए कमेंट्स किए सो थैंक यू सो मच जस्ट मी मैंने एक एक कमेंट पढ़ा है अम्मी आज कल आई हुई इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कॉमेंट्स का रिप्लाई कर सकू बट मैंने हर किसी का कॉमेंट पढ़ा है दिल से थैंक यू टू ईच एंड एवरी सबसे ज्यादा जो मेरा दिल खुश हुआ वो दो तीन इंस्टाग्राम पे लोगों ने मुझे डीएम्स करे जिसमें उन्होंने मुझसे शेयर किया कि कैसे उस एक ब्लॉग की वजह से उन्होंने नमाज पे फोकस करना शुरू कर दिया और मुझे थैंक यू बोला थैंक यू की बात नहीं है अगर इसका जरा सभी सवाब मुझे मिल जाए ना तो शायद मेरे काम आ जाए बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा दैट्स ऑल आई नीड और रखियेगा हाँ, अगर वीडियो पसंद छु जाया करे या इसमें कोई भी बात को छू जाया करे तो बस लाइक जरूर कर दिया करें कॉमेंट कर दिया करें मेरे लिए यही बहुत है सिमिलरली मैंने जो वर्क प्लेस बुलिंग पे वीडियो बनाई थी उस पर भी मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने डीएम्स करे और शेयर किया बताया कि उनके साथ भी ये सब कुछ हुआ है एंड आई वो सो so कि ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ये एक्चुअली बहुत सारे लोग फेस करते हैं और कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं सो so उनके लिए बस मैंने यही कहना है कि घबराना नहीं है और सेल्फ स्टीम से आगे कुछ भी नहीं रखना रिस्क अल्लाह के हाथ में है वो देगा काम में गलती हो जाए तो अपोलॉजीज कीजिए सीखिए काम को आगे बढ़िए लेकिन किसी को अपने साथ जाति करने ना दीजिए चले जी अब स्टार्ट करते हैं दिल की बात और आज दिल की बात में मेरे दिल की बात नहीं होगी बात होगी मेरे उन प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की जिन्होंने मुझे डीएम करके अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करी और बोला कि मैं अपनी वीडियोस में ऐड करूं ताकि बाकी सब भी उससे कुछ लेसन लर्न करें सो so, मैं उनके परमिशन के साथ ही ये आगे शेयर करूंगी स्टोरीज। इतनी ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकूंगी जैसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ बट जो उन्होंने मुझसे बातें करी हैं वो जरूर ए टू जेड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो चले लॉन्ड्री फोल्ड करते करते आज की दिल की बात करते हैं मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर ने टाइम निकाला मुझे डीएम करा इंस्टाग्राम पे अपनी पूरी स्टोरी शेयर करी और मुझे बोला कि मैं अपनी वीडियो में जरूर शेयर करूँ ताकि बाकी सब इससे लेसन लर्न करें और किसी और के साथ ऐसा बिहेव ना करें वो जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजरी हैं बाकियों को बचाना चाहती हैं मैं सारी स्टोरी तो उनकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लगा रही हूं बट मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया सो दैट आप लोगों को आइडिया हो जाए कि उन्होंने किस तरह से किस कितना सफर किया है इस चीज को लेके बेसिकली उन्होंने कुछ टाइम पहले एक जगह जॉब करी दो साल तक उन्होंने वहां पर जॉब करी है सो so, वहां पर उनके साथ एक और लेडी जॉब करती थी जो आई थिंक उनकी सुपरवाइजर थी या वर्क कोलीग थी उन्होंने ये क्लियरली मैं नहीं किया बट वो उनके साथ ही वहां पर होती थी और वो चलते फिरते उठते बैठते जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनको क्रिटिसाइज करती रहती थी उनका मजाक उड़ाती रहती थी उन्हें बुली करती रहती थी सो so, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है शी ऑल्सो डोंट हैव एनी चाइल्ड वो उनकी बुलिंग का सबसे बड़ा निशाना बनी उनके दो साल बहुत अजियत में गुजरे उन्होंने उठते बैठते मेक श्योर sure किया कि रोज़ इनको रिमाइंडर दें दैट नॉट हैव अ चाइल्ड या अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी नहमत नहीं दी हुई और इस चीज ने उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना बड़ा ट्रोल लिया उससे बाहर नहीं निकल पाई हैं उनको एनजाइटी होने लगी डिप्रेशन होने लगा वो बहुत बुरे फेस से गुजरी जिसका इम्पेक्ट उनकी पर्सनल लाइफ पे भी गुजरा एक ऐसी चीज जो उनके हाथ में है ही नहीं देना लेना ये सब अल्लाह के काम है कुदरत का निज़ाम है जिसमे वो बिल्कुल बेबस है उस चीज के ऊपर किसी को इतना क्रिटिसाइज करना किसी के लिए इतनी जिंदगी आजाब कर देना कि वो बेचारी मतलब जॉब भी नहीं कर पाई और उन्होंने अल्टीमेटली दो साल बाद गिव अप कर दिया जब उन्हें लगा कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है और उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी खराब हो रहे हैं और भी काफी सारी डिटेल्स उन्होंने मुझसे शेयर करी बट ऑबली मैं इस प्लेटफॉर्म पे उतनी ही किसी के बारे में बातें डिस्कस कर सकती हूँ जितनी मुझे मुनासब लगेंगी सो बेसिकली शी यू वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी वुमेन जो ये देख रही है और वो बार बार ये कहना चाहती थी कि प्लीज एक औरत होते हुए दूसरी औरत को इतनी ना दें आप ना पूछें ये सवाल अगर आपको दिख भी रहा है कि किसी के बच्चे नहीं हैं और उनकी शादी को काफी टाइम तकलीफ होती है और उन्होंने एक बात बिल्कुल सही लिखी कि चाइल्डलेस होना या इनफर्टाइल होना कोई गुनाह नहीं है ये अल्लाह की तरफ से है जिसको मिले वो बहुत लकी हैं और जिनको ना मिले वो डबल लकी हैं क्योंकि अल्लाह ताला के लिए वो बहुत स्पेशल है उन्हें अल्लाह ताला ने उस के लिए चूज किया है जो हमारे नबियों पर आई है मुझे ऐसा लगता है तकलीफे ट्रायल्स डिफिकल्टीस आजमाइशे सबकी जिंदगी में आती हैं लेकिन जो अल्लाह तला को बहुत ज्यादा अजीज होता है ना उन्हें अल्लाह तला वाली आजमाइश देते हैं क्योंकि ये वो आजमाइश है जिससे हमारे नबियों को आजमाया गया है चाहे हजरत इब्राहिम हो हजर सक्रिया हो या खुद हमारे रसूल सल्ला भी अल्लाह तला ने औलाद से नवाजा और फिर औलादे वापस ले ली और उन्होंने सिर्फ सबर और शुक्र किया सो माई डेयर सब्सक्राइबर आपका नाम में यहाँ नहीं ले सकती बट अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज सब्र करें और अल्लाह ताला को थैंक यू करें आपके सब्र का रिवॉर्ड बहुत बड़ा है अल्लाह के यहाँ और दुआ मांगती रहें दुआ में बहुत बड़ी ताकत है यू नेवर नो क्या पता एक दिन आप मुझे कॉमेंट या डी करके बताएं कि आप एक बहुत प्यारी सी औलाद की माँ बन गई हैं सो कीप कीप्रेंग और वो सारे लोग जो ऐसे लोगों से सवाल पूछते हैं बार बार उन्हें दिख भी रहा होता है कि बहुत साल हो चुके हैं शादी को बट अभी तक अल्लाह ताला ने औलाद से नहीं नवाजा है वो बार बार पूछ करके क्या मसला है

जिनको अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा है वो अगर इसके ऊपर इतराएं और इतरा कर बोलें कि हो नहीं हुआ अच्छा हमारा तो ये हो गया फ़ौरन हो गया या हमने तो फ़ौरन चार कर लिया या एक्स वाई जी जो भी बातें करती हैं देखें इसमें आपका कोई कमाल नहीं है अगर कोई ऐसी चीज हो ना जिसमें आपकी मेहनत लगनी हो जिसमें आपका टैलेंट आपका कैरेक्टर काम आए उसके ऊपर इंसान प्राउड फील करे तो समझ भी आता है जैसा आपकी एक हाई क्वालिफिकेशन या आपका एक बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग करियर या आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट और बात होना ना होना बेटा होना बेटी होना ये तो अल्लाह के सारे काम है वो चरिन परिन जानवर सबको ही अदा करता है और मुझे तो इस बात पे हैरत होती है कि बींग अ वुमन आप दूसरी वुमन को ऐसे लेट डाउन कैसे कर सकते हो जितना भी एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में सीखा है उसमें मैंने यही देखा है लड़के एक दूसरे का मजाक जरूर उड़ाते हैं और लेग पुल भी करते हैं मगर सोशल इश्यूज के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं और अगर उन्हें किसी को सपोर्ट नहीं भी करना होगा ना तो एक मर्द दूसरे मर्द को टाल देगा इग्नोर कर देगा अगर वो हेल्प नहीं भी कर सकता है तो लेकिन उसको सोसाइटी के अंदर रुसवा नहीं करेगा या शायद मर्द भी ऐसे होते हो बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें मैंने यही देखा है कि औरत ही दूसरी औरत को जलील करती है और ये एक साइकिल है जो चले चले जा रहा है चले चले जा रहा है चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो नंद भाभी का रिश्ता हो बहन बहन का रिश्ता हो वर्क कोलिग्स का रिश्ता हो कहीं कही ना कहीं आपको ये किस्सा सुनने या देखने को मिल ही जाएगा कि एक औरत दूसरी औरत के पीछे पड़ी हुई है और फिर दूसरी औरत किसी और के पीछे पड़ी हुई है या उसी को जवाब दे रही है तो ये एक साइकिल है जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम सभी फंस गए हैं पिछले कुछ सालों में चेंज जरूर आया है अब क्योंकि एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ने लगा है खातानी करियर ओरिएंटेड होती चली जा रही हैं सो so उनके पास अब इतना वक्त नहीं होता या उनकी सोच दिमाग सब खुल गया है तो so चेंज आ रहा है बट ये काफी स्लो है इसको ना थोड़ी ज्यादा स्पीड में होना चाहिए वैसे ही इस सोसाइटी में औरत के लिए काफी सारी मुश्किलें हैं काफी सारी जगहों पे हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है दिल मारना पड़ता है कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है और अल्लाह ताला ने हमें बनाया भी ऐसे यह हम इमोशनली काफी स्ट्रोंग होते हैं हमारे अंदर सब्र बर्दाश्त काफी ज्यादा होता है सो जब ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारी चीजों में इतनी सारी डिफिकल्टीज हैं तो एटलीस्ट एक दूसरे के लिए तो सपोर्ट सिस्टम हमें बनना ही चाहिए और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना अगर आपके आसपास कोई खातून किसी परेशानी में है आप उनकी मदद कर सकते हैं तो खामोशी से कर दीजिए अगर आपके हाथ में उनकी हेल्प करना नहीं है तो उन्हें मशवरा दे दीजिए आपको लगता है कि मशवरा देने से वो ऑफेंट ना हो जाए या बुरा ना मान जाए तो बस सिर्फ खामोश रहें मुस्कुरा कर बात कर लें उनके दिल का हाल सुन लें और जब वो अपनी कोई परेशानी बताएं तो उसको इग्नोर करके अपने मस्ते सुनाने ना बैठ जाएं सिर्फ उनको सुनें समझें उनकी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकलने दें और अगर किसी की कोई कमी कोई खराबी दिख भी रही है तो एक पॉजिटिव वे में फीडबैक देना कोई बुरी बात नहीं है समझाना कोई बुरी बात नहीं है पॉजिटिव स्वीट वर्ड्स में भी आप किसी को कोई बात समझा सकते हैं बता सकते हैं फीडबैक दे सकते हैं उसके लिए हार्श वर्ड यूज करना इस तरीके से बात करना जैसे आप उनको बुली कर रहे हैं या उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं पूरी बात का मोटिव ही चेंज कर देता है और सामने वाला आपकी बात समझने से ज्यादा उससे ऑफेंड हो जाता है बात आपकी कितनी सच्ची और सही क्यों ना हो अगर अल्फाज कड़वे हों तो वो कड़वी ही फील होती है पूरे घर की अच्छी सी डिटेल्ड डस्टिंग करने के बाद मैंने पूरे घर में अच्छे से वैक्यूम भी लगा दिया था अब बारी थी मॉप की एंड आई नो इस मॉप के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ इसका लिंक बट अगर स्टिल कोई नया सब्सक्राइबर है या कोई ऐसा है जिसने जिससे मिस हो गया वो लिंक तो so मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दूंगी मैंने ये अमेजॉन से मंगाया था और ये वाकई बहुत अच्छा है बस इसको ड्रेन बहुत अच्छे से करना पड़ता है और मैं इसमें हॉट बॉइलिंग वाटर यूज करती हूँ कैटल

अगर हमें ये लेक पुलिंग और एक दूसरे को ताने तिशने देने के सिलसिले खत्म करने हैं तो हमें खुद ये सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी इनकी प्रैक्टिस खत्म करनी पड़ेगी ताकि हम जो माहौल बनाएं वही हमारी आने वाली जनरेशन सीखे और एक बेटर पॉजिटिव एन्वायरमेंट क्रिएट हो सके सोसाइटी में आई नो ये सारी बातें कहना बहुत आसान होता है और जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो हम सबको ही बहुत प्रॉब्लम होती है इंक्लूडिंग मी ऑल्सो मुझसे भी कभी कभी ये सारी हरकतें हो जाती हैं क्योंकि औरत और गॉसिप ना करे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है मगर एटलीस्ट हमें थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए चीजें चीज़ हो जाएंगी। अगर पहला स्टेप ही नहीं लिया, तो कैसे complete होगा पूरा रास्ता? So, कोशिश करें कि, कि किसी की भी personal life में इतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करें और ट्रस्ट में जिस दिन आप दूसरों की बाउंड्रीज का ख्याल रखना शुरू कर देंगे ना उस दिन ऑटोमेटिकली आपकी अपनी बाउंड्रीज भी लोग क्रॉस नहीं करेंगे जब आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं ना तो एक टाइम के बाद सामने वाला भी चुप हो ही जाता है और अगर वो नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट आप तो वो ना करें ना फिर आप में और सामने वाले में फर्क की क्या रह जाएगा अगर आपकी किसी दोस्त की शादी अभी तक नहीं हुई है तो बार बार उससे ना पूछें और ना ही उसको मशवरे दें कि तुम शादी कर लो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ सकते हैं तो जरूर ढूंढें उसको अगर हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें मगर जब भी बात हो हर मुलाकात में उसको ये याद कराना कि यार तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या मसला है ये जरूरी नहीं है उसको भी पता है कि उसकी शादी नहीं हुई है सिमिलरली अगर किसी कपल के बच्चे नहीं हैं तो ना पूछे उनसे अल्लाह जाने क्यों नहीं है आपसे ज्यादा उनको एहसास होगा इस बात का इसलिए बार बार उन्हें याद कराने से या मशवरे देने से कुछ नहीं हो उनके हाथ में और उनके बस में जो होगा वो सब कर रहे होंगे अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा कमजोर पतली हो गई है तो मत उसको याद कराएं ना पूछें कि जिंदगी में कौन सा स्ट्रेस है जिसकी वजह से इतनी कमजोर हो रही हो काली हो रही हो हल्के हो रहे हैं आंखों में और अगर कोई बहुत ज्यादा मोटी हो रही है तो भी मत पूछो कि क्यों हो रही है आपको नहीं पता क्या पता वो किसी बीमारी से गुजर रही हो उसके हारमोन डिस्टर्ब हो या कोई भी रीजन हो सकता है या शायद उसे ना बहुत पसंद किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में किस चीज की कमी है वो कैसा दिखता है वो उसको पता है हमारे बताने से रिमाइंड कराने से उनको सिर्फ तकलीफ होती है और कुछ भी नहीं जरा सोचें कितनी तकलीफ में होगी मेरी सब्सक्राइबर उसे कितना बुरा लगा हुआ हुआ इन बातों का जो वो एक थर्ड पर्सन से डीएम के ऊपर ये सब कुछ डिस्कस कर रही है और बोल रही है क्या आप ये सोशल मीडिया पे बात निकालें खुदारा खुदारा जिनके बच्चे नहीं है उनको ऐसे सवाल जवाब ना किया करें उनको बुली ना किया करें लेट डाउन ना किया करें वो बहुत अजीत से गुजरते हैं जस्ट इमेजिन कितनी मजबूर हो गई है कि वो ये सारी बात ऐसे करने पे राजी है और पता नहीं उसने कितनी दफा ये दुआ में अपने से की होंगी कितनी दफा होगा अल्लाह से शिकायत की होगी क्या होगा अगर हमें अल्लाह हमारे घरेबान पकड़ ले और हमारी सारी नेकियाँ चली जाए हमारे पास से सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने किसी को मोटा होने पे या बुरे कपड़े पहनने पे गंदी चीप चौस होने के ऊपर बच्चे न होने के ऊपर काला होने के ऊपर छोटे कदका होने के ऊपर बातें सुना दी हूँ मजाक उड़ा दिया हो तफरी तफरी में और क्या पता उस शख्स ने दुआओं में हमारा जिक्र किया हो अच्छे अल्फाजों में नहीं बुरे अल्फाजों में वैसे ही हम सब स्पेशली मैं हम बहुत गुनाहगार हैं हमारे पास वैसे ही नेकियां इतनी कम हैं और फिर हम इन छोटी छोटी वजह से अपने गुनाह और बढ़ा दें और जो नेकियां हैं वो गवा दें मैं कोशिश करती हूँ कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करूँ रिश्तेदारों से कजन से दोस्तों से क्योंकि मुझे पता है जब औरत औरत से मिलती है तो गॉसिप्स बातें तफरी मजाक जरूर होता है और जब कभी हो भी जाए तो मैं अपने आप को रिमाइंड कराती रहती हूँ कि नहीं यार नहीं ऐसे नहीं जाने दो नहीं कॉमेंट पास करो किसी के ऊपर नहीं मजाक उड़ाओ एंड मैं मिजेब्रीली फेल भी हो जाती हूँ बहुत दफा बहुत दफ़ा हो जाता है मुझसे भी बट एटलीस्ट मेरे दिमाग में मेरे कॉन्शियस में यह बात रहती है कि मैंने खुद को चेंज करना है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सुधारने के मूड में भी नहीं है कोशिश करें किसी की दिल आजारी कम से कम करें मुश्किल है बहुत ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो हमें अपने लाइफ स्टाइल में लाना है मगर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके कोशिश करेंगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे पूछे की मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है चाहे वो आपको अच्छा ना लग रहा हो या उस बंदे पे सूट ना हो रहा हो तो उसकी तारीफ ही कर दीजिएगा वो इंसान खुश हो जाएगा और उसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन अगर आपने बोल दिया कि नहीं अच्छी नहीं लग रही है ये क्या पहन लिया मेकअप कितना ओवर किया हुआ है या मोटी लग रही हो इसमें या कुछ भी तो इससे उसका दिल भी दुखेगा और हो सकता है कि आपकी नेकिया भी कम हो जाए बहुत ही ट्रिकी और कंट्रोवर्शियल टॉपिक था ये मैंने बहुत सोच समझ के बात करने की कोशिश की है आई होप आप में से किसी को भी बुरा ना लगाओ मैंने अपनी दिल की बातें अपनी मिस्टेक्स भी आप लोगों के सामने रखी है मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ मैं भी आप लोगों की तरह सीख ही रही हूँ साथ मिलकर पुरानी चीजें अनलर्न करनी है नई चीजें अडेप्ट करनी है एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना है एक दूसरे को सपोर्ट करना है एक दूसरे के लिए विंग्स बनना है औरत को औरत का सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए क्योंकि हर औरत को पता होता है कितना मुश्किल है सर्वाइव करना है सोसाइटी के अंदर so, एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बनी है और इसी सारी बातों के साथ मेरी मजेदार सी सैलेड भी रेडी हो गई है मैंने घर की सारी सफाई वगैरह कर ली थी लंच टाइम हो गया था सो so बस अभी मैं और हस्बैंड इस सैलेड को अच्छे से एंजॉय करेंगे उसके बाद मैं चली गई थी वॉक करने के लिए आजकल जब थोड़ी एनजाइटी डिप्रेशन हिट करने लगता है तो मैं बाहर निकल जाती हूँ थोड़ी वॉक कर लेती हूँ क्योंकि काफी डिप्रेसिव वेदर और कुछ मेरे साथ भी चल रहे हैं अल्लाह की बनाई हुई नेचर में जाके अच्छा लगता है दिल बहल जाता है और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी अगर कुछ भी पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर दिया करें फिर मिलेंगे बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज